हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बावादे बुलंद सलावा। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم एक तरफ ये इल्मी और नजरी मुश्किल है कि मानी ज्यादा हैं अल्फाज कम, दूसरी तरफ ये अमली मुश्किल है कि इंसान मुदाम गर्क है गफलतों में, इंसान अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ मुल्तफित कब है, कहाँ तवज्जो है उसकी अल्लाह की तरफ। अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो हो तब उसके अस्मा और सिफात और अफ़ाल और उसकी तजल्लियात समझ में आए। आप हिसाब करें, शुमार करें, 24 घंटे में कई नफस अल्लाह को याद करते, कई नफस अल्लाह की तरफ हकीकी तवज्जो होती है। हम तो गिरफ्तार अना हैं, हम बंदे अल्लाह कहाँ हैं। अना, खुदी, मैं, हम और हमारी ज़रूरियात, खुदा की कसम हकीकी तवज्जो खुदा की तरफ कितनी है, कई लम्हा, कई आन, कई सेकंड, कई सानिया। और जब तवज्जो ही नहीं है उस तरफ तो फिर उसके आसमां की तजल्ली हम पर कैसे होगी। इस गफलत के बावजूद अगर उसकी रहमत हमारे शामिल हाल है तो अंदाजा कीजिए कि रहमत इम्तिनानिया की कैफियत क्या है, रहमत रहमानिया की कैफियत क्या है। वो रहमत आम्मा जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इसमें मुबारक अर्रहमान में रखी है, क्या तमव्वुज है उस रहमत का, क्या गहराई है उस रहमत में, क्या पहनाई है उस रहमत में, क्या रिफ़त व बुलंदी है उस रहमत में, कितनी गुंजाइश है उस रहमत में। इस गफलत के बावजूद हम पर उसका करम है।
आज रोज़ विलादत हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलातो वसलाम। जब हम अल्लाह सुबहाना व ताला के उन अस्मा की अजमत नहीं समझ सकते जो लफजी हैं, तो उन अस्मा की अजमत क्या समझ सकेंगे जो वजूदी हैं। लफ्ज की अजमत जो नहीं समझ सकता वो वजूद की अजमत क्या समझेगा। लफ्ज से जो इक्तिसाब फैज नहीं कर सकता वो वजूद से क्या इक्तिसाब फैज करेगा। हसन मुज्तबा, अरबी तहजीब व सकाफत की तारीख में लफ्ज हसन पहली बार जिसका नाम हुआ वो हसन इब्न अली है। उनसे पहले किसी का नाम हसन नहीं हुआ। ये दो नाम हसन और हुसैन दोनों की शान यही है। यानी ये मामूली बात नहीं है। हसन अरबी जबान का कलिमा है, हुसैन अरबी जबान का लफ्ज है, मगर हसन और हुसैन ये दोनों नाम किसी बच्चे के कभी नहीं रखे गए पहले। सबसे पहले जिसको जिसका ये नाम रखा गया वो फरजंद फातिमा, फरजंद अली, फरजंद रसूल, सिब्त अकबर, इमाम मुज्तबा, हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम। इमाम हसन और इमाम हुसैन इन दोनों हस्तियों का एक तआरुफ ये भी है कि हसन कामिल तरीन मजहर इस्म मुबारक अर्रहमान हैं और हुसैन कामिल तरीन मजहर इस्म मुबारक अर्रहीम हैं। ये है, इसका अपना इस्तिदलाल है। जो लोग इल्म इरफान नजरी में वारिद हैं वो समझते हैं कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, देखिए दुनिया में कुरान मजीद के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं है जिससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया जा सके। कोई सही किताब ऐसी नहीं है जिसमें ज़ईफ रिवायतें मौजूद ना हो। इस एतबार से जो किताबें उरफा ने लिखी हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ज़ौकियात से मुतालिक हैं, बहुत सी चीज़ें बराहीन के साथ लिखी गई हैं। इब्न अरबी मुहियुद्दीन अकबर इब्न अरबी जो फ़लसफ़े वहदतुल वजूद के बानी हैं या शारह हैं, ये मौलाना रूम साहिब मसनवी या ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, ख्वाजा हाफिज़ हाफिज़ शिराज़ी यानी अदबी और शेरी हवालों से, उधर खालिस फ़न्नी और इल्मी हवालों से इब्न अरबी और उसके बाद उनके शारहीन और साहिब मिसबाह मिसबाहुल उन्स इब्न फन्नारी, इन हजरात ने जो अस्मा इलाहिया के इल्म पर काम किया है, इल्मुल अस्मा, और कदम ब कदम कलिमा ब कलिमा बराहीन के साथ गुफ्तगू की है। बराहीन भी कुरान हकीम से लाए हैं और या उन इरशादात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो इल्मुल अस्मा के बाब में यह याद रखें कि अस्मा इलाहिया भी नाम मुतनाही हैं, कोई गिनती नहीं है। अल्लाह के कितने नाम हैं कोई गिनती नहीं है।
क्यों? इसलिए कि कुल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज उसकी एक नई शान है, हर आन उसकी एक नई शान है, हर साअत उसकी एक नई शान है, हर नई शान के साथ उसका नया इस्म तख्लीक होता है, उसका नया इस्म सामने आता है। ये अर्ज कर चुका हूं ना कि अस्मा का तायुन कुछ खसूसियतों को नजर में रख के होता है। अल्लाह सुबहानहु व तआला की हर रोज एक नई शान है, हर आन एक नई शान है, तो गोया उसकी शान नामोतनाही, लामोतनाही, बेहद बेनिहायत, उसी तरह उसके अस्मा बेहद बेनिहायत। अल्लाह के नामों की तादाद कोई न गिन सका है न गिन सकेगा, मुमकिन नहीं है। अब इन तमाम अस्मा को कई लिहाजों से कई किस्मों में तकसीम किया गया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मसलन अस्माए जमालिया, अस्माए जलालिया, मसलन अस्माए ज़ात, अस्माए सिफात, अस्माए अफ़ाल, ये सब जो तकसीमात हैं ये अपने अपने लिहाज से हैं, लेकिन कोई भी इसमें जमाली ऐसा नहीं है जिसमें जलाल पोशीदा ना हो, और कोई भी इसमें जलाली ऐसा नहीं है जिसमें जमाल पोशीदा ना हो। ये शान वहदत है, ये शान वहदत है, हर इसमें जलाली में जमाल पोशीदा है और हर इसमें जमाली में जलाल पोशीदा है। और अल्फाज की सिनख से, अल्फाज के कबील से जो अस्मा हैं उनमें भी ये शान है, लेकिन जो वजूदी अस्मा हैं उनमें भी ये शान है। मैं मिसाल इसकी यूं दूं, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं उन सब में एक हुस्न है और उन सब में एक हैबत है, एक हैबत है, एक रौब है, कि जब वो हैबत का पहलू आता है तो इंसान एक तरह के खौफ में मुब्तला हो जाता है, एक दहशत सी तारी हो, मुदहिश हो जाता है इंसान। रोजमर्रा की मिसाल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो सीन, आप सबको अच्छा लगता होगा, दरिया का सीन मुझे बहुत पसंद, मौजे मारता हुआ दरिया, ठाठे मारता हुआ दरिया, दरिया पानी, क्या जमाल है उसमें, क्या हुस्न है, क्या कशिश है, क्या जाज़बियत है, लेकिन साथ ही क्या खौफ है उसका, क्या हैबत है उसकी, दरिया की हैबत है, खौफ है, सिर्फ उस खौफ पर काबू वो पा लेते हैं जो दरिया में गोताजनी की आदत डाल लें। खौफ उनके दिल में भी होता है जो रोजाना गवासी करते हैं, उनका दिल भी बेखौफ नहीं है, लेकिन दरिया की मौजों से मानूस हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को दरिया की मौजों से मानूस बना लिया है, उन्स पैदा कर लिया है, और उसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, रियाजत चाहिए। जैसे दरिया में गवासी के लिए, दरिया से दोस्ती के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, रियाजत चाहिए, ऐसे ही अस्माए इलाहिया से मानूस होने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, रियाजत चाहिए, मेहनत चाहिए। किसी एक इस्म इलाही के साथ में उस इस्म से मानूस तो हो, मानूस तो हो उस इस्म से, इसमें अल्लाह क्या जमाल है, इसमें
और क्या जलाल है इसमें, इसमें अर्रहमान क्या जमाल है इसमें और क्या जलाल है इसमें। इसमें अर्रहमान का जलाल देखना है आपको, सूरह रहमान उठा के देखिए, सूरह मुबारक रहमान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, बात यहां से शुरू होती है। तो इसमें सब अताओं का जिक्र है ना, और बार बार यह आता है कि फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। इसी सूरह अर्रहमान में जहन्नम का तज़किरा है कि नहीं है, दोज़ख का भी तज़किरा है, जहन्नम का भी तज़किरा है, इसके क्या मानी है। अब मेरा जुमला याद रखिएगा कि जहन्नम का वजूद भी तकाज़ाए रहमत इलाहिया है, असल वजूद रहमानियत का तकाजा है। यह अजाब उनके लिए है जो इसमें मुबारक अर रहमान की कदर ना कर सके, उनके लिए अजाब है। समझना दुश्वार है थोड़ा सा, ये मसाइल हैं मुश्किल पेचीदा, मगर अगर वो ज़ौक पैदा हो जाए तो फिर पेचीदगी खत्म हो जाती है, बातें शफाफ हो जाती है। जो इसमें मुबारक अर रहमान से मानूस ना हो सके, जो रहमानियत हक से मानूस ना हो सके, उनके लिए जहन्नम अजाब है। मगर वजूद जहन्नम तकाजाए इसमें अर रहमान है ना। अब मैं इसको एक अंदाज से वाजे करने की कोशिश करूं। देखिए तसव्वुर कीजिए, नऊज़ु बिल्लाह व नस्तजीरु बिल्लाह अजल्लकुमुल्लाह, खुदा किसी को ऐसी आजमाइशों में मुब्तला न फरमाए। किसी के दो बच्चे हों, एक बच्चा नहायत लायक ज़हीन फ़कीन मुहज़्ज़ब पढ़ा लिखा सलीकामंद, और एक बच्चा नऊज़ु बिल्लाह वो दीवाना हो गया, पागल हो गया। दीवाना, जब दीवाना हो गया मजनून हो गया तो उसे होश ही नहीं है, वो नजिस और पाक की तमीज़ नहीं रही उसमें। ये माँ दोनों को खाना देती है, एक बच्चा खाना लेके मेज़ कुर्सी पे बैठ के निफासत के साथ खाता है। वो जो दीवाना है वो बच्चा खाना लेता है और ले जाके ज़मीन में उंडेल देता है और वो मिट्टी में मिला मिला के खाता है। माँ को तकलीफ़ तो होगी लेकिन खाना देना कभी बंद नहीं करेगी। कभी बंद करेगी, ये कहेगी कि अब आज से हम खाना नहीं देंगे, कहेगी मगर देगी, डांटेगी फिर भी खाना देगी। और अगर वो बच्चा एक ख़ास जगह गंदी है ख़राब है मगर वो उसी जगह बैठ के खाने का आदि हो गया है तो ये माँ भी उसको वहीं खाना देना शुरू कर देगी। तवज्जो है, जन्नत और जहन्नम का यही किस्सा है, किसने किस तरीके से अपने ज़ौक़ को परवान चढ़ाया। जो खुश सलीका बंदे हैं अल्लाह के वो बहिश्त में जाएंगे, जो बद सलीका हैं उन्हें भी वो फना नहीं करेगा, नाबूद नहीं करेगा, उनके लायक ठिकाना बना दिया है, वो भी उसकी रहमानियत का तकाजा है। वो ठिकाना दोज़ख है, जहन्नम है। तो वजूद जहन्नम का, दोज़ख का वजूद इसमें मुबारक अर रहमान का तकाजा है। और नेकुकारों के लिए बहिश्त में अबदुल आबाद तक रहना इसमें मुबारक अर रहीम का तकाजा है।
बहुत आमीक बहस है। जिंदगी में रोजाना हर नफस अल्लाह के अस्मा की तजल्लियां होती हैं, मगर हम गाफिल हैं, तवज्जो नहीं अल्लाह की तरफ। असलन कतअन तवज्जो इंसान की अल्लाह की तरफ नहीं है। जरा सी तवज्जो अगर अल्लाह की तरफ हो, खुदा की कसम मैं मिंबर से अर्ज कर रहा हूं, माह मुबारक रमजान है, जरा सी तवज्जो अगर अल्लाह की तरफ हो तो फिर देखिए कि उसका लुत्फ खास किस तरह जिंदगी में इनकलाब बरपा कर देता है और इंसान को कितनी बुलंदियों से आशना करता है, कितनी बुलंदियों से आशना करता है। जब इंसान इसमें मुबारक अर्रहमान और अर्रहीम के सुल्तान रूह इस्म जाने इस्म तक पहुंच जाता है, इस इस्म से मानूस हो जाता है, इस इस्म का मलका पैदा कर लेता है, तो फिर तमाम अस्माए इलाहिया उसके लिए आसान हो जाते हैं। अगर इन दो अस्मा पर, इस्म अर्रहमान और इस्म अर्रहीम, इन दो अस्मा पर अगर उसने इहाता पैदा कर लिया, गालिबन इहाते का लफ्ज़ यहाँ बहुत मुनासिब नहीं है, अगर इन दो अस्मा से उसने उन्स पैदा कर लिया, इन दो अस्मा के सुल्तान से उसने उन्स पैदा कर लिया, तो बकिया तमाम अस्मा का मलका उसे हासिल हो जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो मादे कायनात में तसर्रुफ करता है, जो चाहता है कर ले, मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी, जो चाहे कर ले। ये कहानी नहीं है, तारीख की आंखों ने देखा है कि जंग सफीन के लिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, अपने घोड़े पर बैठना चाह रहे हैं, एक पांव रकाब में है, दूसरा पांव रकाब में रखना चाहते हैं, करीब एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कुछ गुस्ताखी की। जब उसने गुस्ताखी की और लोग घेरे में हल्का बनाए खड़े, जैसे ही उसने गुस्ताखी की, आपने कहा कि किसी वली हक, किसी मजहर कामिल, किसी इंसान कामिल की जबान से खुदा ना करे किसी के हक में बददुआ निकले। आपने कहा कुत्ते तू क्या भौंक रहा है, लोगों ने देखा कि वो कुत्ता बन चुका था और उसके मुंह से वही आवाज निकल रही थी जो कुत्ते की आवाज होती। जाहिर है कयामत बरपा हो गई, बजाहिर वो खुले हुए दुश्मनों में से नहीं था, चुनांचे उसने फिर अपनी उसी हालत में हजरत से तजर्रोजारी की, उसके जाहिर है कि लोग भी वहां होंगे, हजरत ने उसे माफ फरमाया और वो फिर पलट के इंसानी शक्ल में वापस आ गए। अब लोगों ने कहा अली, ये कुदरत रखते हुए आप हम सबको ले जा रहे हैं जंग करने के लिए, ये किस लिए, जंग करने के लिए, आप तो जो चाहे कर सकते हैं। कहा खुदा की कसम जो चाहे कर सकता हूं, अल्लाह ने यह करम फरमाया है मेरे हक में, मगर मैं अहकाम जाहिरी का पाबंद हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना सब्र किसी में हो तब अली कहलाता है, कितना सब्र। तवज्जो है, कुदरत का अंदाजा कीजिए,
ताकत का अंदाजा कीजिए, तसर्रुफात का अंदाजा कीजिए, विलायत तकवीनिया का अंदाजा कीजिए। लोग कहते हैं विलायत तकवीनी मासूमीन के पास है या नहीं है? और तो और नजफ अशरफ में एक साहब तशरीफ लाए थे मुझसे बहस करने के लिए कि आप विलायत तकवीनिया के कायल हैं, फलां साहब तो कायल नहीं है। मासूमीन के पास विलायत तकवीनिया है, बेशक है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताकत देता है उसे जिसका ज़र्फ़ आजमा चुका हो। यही कैफियत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब इमाम हसन मुज्तबा ने मिंबर से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं चाहूं तो शाम को कूफा और कूफे को शाम से बदल दूं। मगर उसके बावजूद किस आजमाइश से गुजरे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये सीरतें हमारे और आपके लिए दर्स यहां है, दर्स यहां है। हमारे पास जरा सी ताकत हो जाए, जरा सी मामूली सी, देखिए आप में नहीं समाते हैं। ये इंसान की कम जर्फी है उमूमी, आप में नहीं समाते। किसी किस्म की सलाहियत पैदा हो जाए, हुनर पैदा हो जाए, लफाजी आ जाए तो लफ्जों का क्या बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लफ्जों का भी क्या बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वो जिनके पास मादा कायनात में तसर्रुफ की ताकत है, जो हैवान को इंसान और इंसान को हैवान बना सकते हैं, जो मर्द को औरत और औरत को मर्द बना सकते हैं, जो कूफे को शाम और शाम को कूफा बना सकते हैं, वो वाहिरी अहकाम इलाहिया की कितनी पाबंदी करते हैं। जो कानून अल्लाह ने उमूमी सब के लिए बनाया है, वो खुसूसी दर्जा रखने के बावजूद इस खुसूसी कानून के साथ साथ चलते हैं। हमारे यहां तो कैफियत यह है ना कि इल्म इरफान और सैर सलूक वगैरह का जौक ही पैदा इसलिए करते हैं कि एकदम से कोई खुसूसी ताकत मिल जाए और शॉर्टकट मिल जाए कि शरीयत को पामाल कर सकें और आगे बढ़ सकें। यह जौक, छुपी हुई ख्वाहिश यह है कि हमें कोई ऐसी चीज मालूम हो जाए कि फिर नमाज पढ़ने की जरूरत न रह जाए, रोजा रखने की जरूरत न रह जाए, हज करने की जरूरत बाकी न रहे, ये पाबंदियां शरीयत की खत्म हो जाएं और बस जन्नत में भी हम पहुंच जाएं। आम तौर पर जो इरफान 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 का नारा आजकल लग रहा है, वो पीछे ये ख्वाहिश है कि हमें तकालीफ शरिया से मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। आप देखिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा, हज़रत ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये सब ज़वात मुक़द्दसा अस्माए इलाहिया हैं, मज़ाहिर अस्माए इलाहिया हैं। तमाम अस्मा अल्लाह के इनकी ज़ात में अपनी तजल्लियाँ रखते हैं। ये चाहें तो इंसान को हैवान में बदल दें, एक खिताब में जिन्स बदल दें, मर्द को औरत, औरत को मर्द बना दें, लेकिन किस कदर। अल्लाहु अकबर, आज रोज़े विलादत है लेकिन यहीं से आंखों से आंसू उबल पड़ते हैं। ऐसी शख्सियतों के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए और बर्दाश्त करें, पाँव में बेड़ियां डाल दी जाएं और बर्दाश्त करें, हुकूमत से महरूम किया जाए और बर्दाश्त करें, सुलह करें। किससे सुलह? कोई मुकाबला?
हसन मुश्तबा इब्न जहरा इब्न रसूल का उस इब्न नामालूम से कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला? कोई मुकाबला? कोई मुआजना? मैं सुलह फरमा रहे हैं। इसमें दर्स हमारे आपके लिए नहीं कि कितने सब्र के साथ इस दुनिया में जिंदगी बसर करने की जरूरत है, कितना रियाज चाहिए, कितना सब्र चाहिए। जरा सा सब्र अल्लाह सुबहानहु व तआला की खातिर अगर हम कर लें तो यकीनन अल्लाह इनाम में हमें कमालात से सरफराज फरमाता है। मिन जुमला उनके ये फुर्सत गनीमत जानिए कि माह मुबारक रमज़ान, ये रोज़ा इसका एक नाम सब्र भी है, कुरानी नाम रोज़े का सब्र भी है। इसी सब्र में अगर इंसान कामयाब हो जाए, ये नुक्ता मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन मुझे बेहद अजीज़ है, हदीसे कुदसी से माखूज़ है कि इस रोज़े की फजीलत का आप अंदाज़ा करें कि रोज़े की फजीलत और रोज़े की तासीर क्या है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक सुबहाना व ताला ने फरमाया है कि जो इसकी दो करतें हैं, जो करत आम तौर पर अहले जाहिर पसंद करते हैं वो पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए, वो अना अजजी बह, और मैं ही इसकी जजा दूंगा। जो अहले मारिफत हैं वो कहते हैं वो अना उजजा बह, मैं खुद उसकी जजा हूँ। रोज़ा मेरे लिए, रोज़ा मेरे लिए, सारी इबादतें उसके लिए, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। हज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ज़कात व खुम्स किसके लिए है? अल्लाह के लिए। सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं तो फिर खुसूसियत से इस हदीस कुदसी में क्यों फरमाया गया कि अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए? उसकी वजह यह है, बहुत जाहिर कोई बहुत पुरअसरार बात नहीं है, बहुत दुश्वार बात नहीं, हर अमल में कुछ ना कुछ हज़ नफ्स शामिल हो जाता है। इंसान का नफ्स उस अमल से लज्जत लेता है, कुछ ना कुछ उसमें रिया का पहलू पैदा हो सकता है, कुछ ना कुछ लोगों से दाद मिल सकती है, क्या अच्छी नमाज पढ़ते हैं, क्या अच्छी करत है इनकी, क्या खुजू व खुशू से नमाज पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। नमाज में, रोजे में, नमाज में, हज में, ज़कात व खुम्स में, इंसान खुम्स देता है खुदा के लिए मगर एहसान कितना जताता है? खुम्स तो देता है, खुम्स देने के बाद उसकी गर्दन की जो कजी है देखने से ताल्लुक रखती है। हाँ, उमूमी बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर अफराद की नहीं। ज़कात देता है इंसान लेकिन गरीबों पे एहसान कितना जताता है? जिसको देता है ज़कात उसको कितना हकीर समझता है? तो हर इबादत अल्लाह के लिए करता है मगर उसमें कुछ हज़ नफ्स शामिल होता है और कुछ ना कुछ रिया और दूसरे पहलू पैदा हो जाते हैं। इल्ला सौम, हकीकत में रोज़ा कोई नहीं जानता कि आप में से कौन रोज़ा है और नहीं है। या आप जानते हैं या खुदा जानता। हकीकतन रोज़ा किसने रखा है, किसने नहीं रखा है, ये तो खुदा जाने और आप जाने। चूंकि ये एक ऐसी इबादत है, एक तो ये पहलू
कि ये आपके और खुदा के दरमियान का मामला है, फिलवाके कोई गवाही नहीं दे सकता। नमाज गवाही दे सकते हैं, हमने देखा था नमाज पढ़ते हुए। रोजे पे कौन गवाही देगा कि हमने देखा था इन्हें रोजा रखते हुए? कोई नहीं गवाही दे सकता। एक ये पहलू, दूसरे ये पहलू के रोजे में करना कुछ नहीं है, नमाज में कुछ करना है, खड़ा होना है, पढ़ना है, झुकना है, सजदा करना है, हज में कुछ करना है, जकात और खौंस में कुछ देना है, रोजे में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। खुदावंद आलम की खातिर जब कुछ न करने का इतना बड़ा सवाब है, तो उसके लिए कुछ करने का क्या सवाब होगा? ये जुमला कई बार कह चुका हूं, आप भी कई बार सुभान अल्लाह कर चुके हैं, मगर ये जुमला बार बार कहने से ताल्लुक रखता है। क्या करम है इलाही, क्या लुत्फ है इलाही, क्या फैजान है इलाही, क्या सखावत है उसकी, क्या जूद है उसका, क्या अता है उसकी? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि सुबह से शाम तक नहीं खाना है, नहीं पीना है, जिन बातों से उसने मना कर दिया है वो बातें नहीं करनी है। कुछ खुदा के लिए कुछ न करना इतना बड़ा अजर रखता है कि वो कहता है मैं खुद उसकी जजा हूं। तो जब हम उसके लिए कुछ करेंगे तो कैसी जजा होगी? लेकिन हां, उसके लिए जब करेंगे, जब उसके लिए करेंगे तो उसमें नफ्स शामिल ना हो, हज नफ्स शामिल ना हो, रिया का कोई पहलू शामिल ना हो। अगर वाकई इस सब्र के साथ हम कुछ इबादत कर सकें और उसके इस्म, किसी एक इस्म की भी तजल्ली के खाहां हों, तो फिर देखिए कि इस दुनिया में भी क्या आजमतें अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाता है। दो तीन फकरे अर्ज कर दूं तबर्रुकन व तयम्मुनन। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, जिनके इल्म मुतालिक मैंने अभी गुजारिश की कि वो इस्म मुबारक अर्रहमान का मजहर कामिल है, और इमाम हुसैन इस्म मुबारक अर्रहीम का मजहर कामिल है। अमूमी सिफात के एतबार से कौन सी सिफत है जो हसन मुश्तबा में नहीं थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम? मुख्तसर सी जिंदगी में भी कौन सी सिफत नहीं थी? आपकी शजाअत, आपकी इफ्फत, आपकी हिकमत, आपकी अदालत, आपका इल्म, आपकी खिताबत। जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंगे जमल के लिए मजबूर हुए और बसरे की तरफ रवाना हुए, तो कूफे से लोग नहीं पहुंच रहे थे हजरत के लश्कर में, और जो कूफे में एक साहब थे वो मुनाफिकत का रवैया रखते थे, तो जनाब अम्मार यासिर और इमाम हसन तशरीफ लाए कूफा। इमाम हसन की एक तकरीर ने कूफे में इनकलाब बर्पा कर दिया, सब के सब आमादा हो गए हजरत अली के साथ शिरकत के लिए। एक खुतबा हसन का, एक खुतबा, जुरात, बचपन से जुरात की ये कैफियत है, जब जिसे कहते हैं ना घुटनियों चलना, इमाम हसन की उम्र मुबारक एक साल या ऐसे ही कुछ है, एक साल से कुछ ज्यादा है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास और कहा या अली, पैगंबर से मुझे कुछ और मुराआत दिला दो।
आप जानते हैं मैं बहुत से नाम लेना नहीं चाहता हूँ तकरीर में, फजा मुकद्दर हो जाती है। और आप हजरात से भी ये चाहता हूँ बिला वजह नाम ना लिया करें। शीरीनी जिक्र मुस्तफ़ा और शीरीनी जिक्र अहले बैत मुस्तफ़ा के दरमियान किसी और नाम की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन कभी इजहार वाक़े के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, तारीख में इसे अबू सुफियान कहते हैं। इस शख्स ने यानी तारीख के तारीख बशर के मकरूह तरीन नामों में से एक नाम है हर एतबार से, खुल्को खू हसब व नसब जाती किरदार नीयतें अहदाफ मकासद, मकरूह तरीन अफराद में से एक फर्द। अब ये हजरत अली से कह रहा है कि या अली पैगंबर से हमें कुछ मुराद दिला दो। हजरत अली ने कहा बस जो मुआहिदा हो चुका हो चुका, इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं। वहीं इमाम हसन खेलते हुए आए तो इस शख्स की शामत आई थी, इसने कहा हसन अपने नाना से कुछ हमारे लिए सिफारिश कर दो। हसन उठे आगे बढ़े उसकी नाक पकड़ के घुमाई और कहा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह अभी मसला हल हो जाए। अल्लाह क्या सिनो साल है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हसन किस उम्र में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हैं, वो पढ़वा रहे हो किससे? तवज्जो है शुरू से छोटे छोटे। तारीख ने हालांकि इन शख्सियतों के साथ बड़ा जुल्म किया, जुल्म ये किया कि बड़े बड़े वाकयात बस लिख दिए और जो सीरत जिंदगी है छोटे छोटे वाक़े जिनसे इंसान के अखलाक का इजहार होता है, पता चलता है मिजाज का, बातिन का, सीरत का, उनको बयान बहुत कम किया है। फिर भी जो छोटे छोटे चंद वाकये मिल जाते हैं उससे अंदाजा होता है कि कितने अजीम किरदार के मालिक थे। हसन अलैहिस्सलाम घोड़े पे तशरीफ फरमाए चले जा रहे हैं, कुछ गुलाम अबीद उस जमाने में गुलाम स्लेव्स वो बैठे हुए जमीन में खाना खा रहे हैं, बैठकर जमीन पे बैठे हैं कुछ खा रहे हैं। उनकी बेचारों की पूंजी क्या, उन्होंने कहा इब्ने रसूल आइए बिस्मिल्लाह आप भी साथ दीजिए। फौरन सवारी रोकी उतरे उनके साथ जमीन पे बैठ गए। जो वो खा रहे थे उसमें से तनावुल फरमाया और उसके बाद फिर उठे कहा अब तुम सब चलो हमारे साथ हमारे दस्तरखान पे खाओ। और फिर जो कुछ आपके पास था सब उन गुलामों पर निसार कर दिया। लोगों ने कहा कि आपने बहुत अता किया, कहा हमने तो कुछ नहीं अता किया, इनके पास जो कुछ था इन्होंने सब कुछ दे दिया, हमारे पास तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है, हमने कुछ नहीं अता किया। ये है हसन। परवरदिगार हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम इन मासूमीन के किरदार को समझ सकें, इनकी सीरत से इस्तेफादा कर सकें, इनके फैज से इस्तेफादा कर सकें, इनके जूद और इनकी सखा से हम अपने दामन को भर सकें, इनके इनकी हिदायत में दुनिया बसर करें, इनकी शफाअत से आखिरत हासिल करें। परवरदिगार अपने वली आखिर और इस्म आज़म हज़रत हुज्जत इब्न हसन अस्करी को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म कुन लिवलीयका अल-हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइह في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.